खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश विदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई अंधेरी ईस्ट के 52 वर्षीय शिवसेना विधायक रमेश लटके का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, तो मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें उस समय खींचने के लिए मामला दर्ज किया जब उनका यहाँ एक निजी अस्पताल में MRI जांच की जा रही थी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार की रात 10 बजे काशी पहुंचे। इसी बीच पुणे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 11 साल के एक बच्चे को उसके माँ बाप ने 20 कुत्तों के साथ एक कमरे में बंद करके रखा। तो उधर अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई अंधेरी ईस्ट के 52 वर्षीय शिवसेना विधायक रमेश लटके का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका पार्थिव आज शाम तक मुंबई में आने वाला है और कल उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। लटके के पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को वो दुबई में अपने दोस्त से मिलने गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तब उनका परिवार खरीदारी के लिए बाहर गया हुआ था। कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि वो सहपरिवार वहां घूमने गए थे। बहरहाल मुंबई में उनके निधन की खबर आने के बाद शिवसेना में शोक की लहर है। रमेश लटके साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश शेट्टी को हराकर पहली बार अंधेरी ईस्ट से विधायक बने थे। इसके बाद वे साल 2019 में दूसरी बार निर्दलीय उम्मीदवार M पटेल को हराकर विधायक का चुनाव फिर जीते थे। रमेश लटके कई बार BMC में पार्षद भी रह चुके हैं। वे शिवसेना के तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। BMC चुनाव से ठीक पहले रमेश लटके के आकस्मिक निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने रमेश लटके के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि रमेश लटके जी के निधन की खबर सुनकर दुखी और अचंभित हूँ। उनकी काम करने की ऊर्जा, कोरोना के दौरान काम को लेकर उनका समर्पण और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क बहुत ही शानदार था। वो बहुत याद आते रहेंगे। उन्होंने बहुत ही जल्दी दुनिया को अलविदा कर दिया। मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अमरावती से सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें उस समय खींचने के लिए मामला दर्ज किया जब उनका यहाँ एक निजी अस्पताल में MRI जांच की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि उपनगरीय बांद्रा के लीलावती अस्पताल के सुरक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने MRI वार्ड में प्रवेश करके राणा की तस्वीरें खींची। उन्होंने बताया कि MRI अनुभाग में मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध है, इसलिए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। याद रहे शिवसेना विधायक मनीषा कायंदे ने इस मामले में बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मनीषा कायंदे का कहना है कि लीलावती अस्पताल में मरीज की प्राइवेसी लीक हुई है, ये काफी गंभीर बात है। शिवसेना के तल्ख तेवरों को देखते हुए लीलावती अस्पताल के CEO एस रविशंकर ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि ये हमारी गलती है। याद रहे नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को इस महीने की शुरुआत में राजद्रोह के एक मामले में जमानत मिली थी और इसके बाद नवनीत राणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राणा दंपति को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहाँ निजी आवास में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था। नवनीत राणा को रिहाई के बाद 5 मई को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 मई को उनका MRI स्कैन कराया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार की रात 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पहुंचे। एयरपोर्ट परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी नेताओं के स्वागत से वो अभिभूत नजर आए और उन्होंने अपने आधिकारिक इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें साझा कर काशी दौरे की जानकारी दी। उन्होंने श्री जगतगुरु डॉ. चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के 75वें जन्म वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए अपने वाराणसी पहुंचने की जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस की ये निजी यात्रा है जिसमें वो धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। फडणवीस ने आज बाबा विश्वनाथ दरबार सहित दुर्गा माता मंदिर में पूजन दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता कृपा शंकर सिंह और अवधेश सिंह भी मौजूद रहे। पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के शहर के विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों से उन्हें अवगत कराया। सूत्रों के अनुसार वे अन्य धार्मिक महत्व के स्थलों पर भी जा सकते हैं। इस दौरान उनके साथ पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी की ओर से जारी सूचना के अनुसार देवेंद्र फडणवीस जंगमबाड़ी मठ में आयोजित वीरशैव सम्मेलन में शामिल होंगे, गंगा आरती में भी हिस्सा ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार फडणवीस के वहां जाने का मकसद खास भी हो सकता है क्योंकि वहां की राजनीति हाल के दिनों में महाराष्ट्र से जुड़ी नजर आ रही है। मुद्दा शिवसेना के इर्द गिर्द घूम रहा है जिसकी रणनीति के चलते महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता से दूर है। पुणे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 11 साल के एक बच्चे को उसके माँ बाप ने 20 कुत्तों के साथ कमरे में बंद करके रखा।
बच्चे को एक एनजीओ की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया है और उसके माँ बाप के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी माता पिता के खिलाफ बाल न्याय अधिनियम 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन के वॉलेंटियर ने पुलिस को बताया कि पुणे के कोंढवा इलाके में एक फ्लैट के अंदर एक 11 साल के बच्चे को 20 से 22 कुत्तों के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वो 5 मई को उस फ्लैट में आया तो उसने देखा कि वहां एक बच्चा कुत्तों के साथ खिड़की पर बैठा है। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। शिकायतकर्ता ने जब बच्चे के माता पिता से बात की तो पता चला कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने माता पिता से बच्चों को कुत्तों के साथ न रखने की सलाह देते हुए स्कूल में एडमिशन कराने को कहा, लेकिन बच्चे के परिवार वालों ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 9 मई को जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्चे के माता पिता बाहर गए हुए थे। पुलिस ने बाल कल्याण समिति की मदद से उसी दिन लड़के को छुड़ा लिया और शिकायत दर्ज की। उस बच्चे को शेल्टर होम में भर्ती कराया गया है। आगे की जाँच जारी है। अभिनेत्री कंगना रनौत खुद से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बीच अपनी शादी के बारे में भी चर्चा करती रहती है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही। कंगना का कहना है कि लोग उनके बारे में अफवाहें उड़ाते रहते हैं कि वो लोगों से झगड़े करती रहती है। कंगना ने मजाक में कहा कि ऐसी अफवाहों से लोगों ने उनके बारे में धारणा बना ली और अब उन्हें मैच ही नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कंगना के को-स्टार अर्जुन रामपाल ने उनकी अच्छाइयों की लिस्ट बनाई है और उनके लिए लड़का खोज रहे हैं। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ रिलीज होने वाली है। फिल्म में वो एक एजेंट अग्नि के रोल में है। इसका गाना रिलीज हो चुका है जिसमें कंगना बोल्ड अवतार में दिखी थी। फिल्म के लिए कंगना ने काफी मेहनत की है। सिद्धार्थ कानन के साथ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वो असली जिंदगी में भी धाकड़ है। कंगना ने इस पर जवाब दिया, ऐसा नहीं है, असल जिंदगी में मैं किसे पिटूंगी। मेरी शादी इसलिए नहीं हो पा रही है कि आपके जैसे लोग मेरे बारे में अफवाह फैलाते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि वो टफ है। इस पर कंगना ने कहा कि मेरे बारे में अफवाह है कि मैं लड़कों को पीट देती हूँ। इस बातचीत के दौरान अर्जुन रामपाल भी मौजूद थे। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि अफवाह न फैलाए। इसके बाद अर्जुन ने कंगना की खूबियां गिनवाई। बोले, मैं बस ये कह सकता हूँ कि कंगना लाजवाब एक्टर है और वो जो भी करती है रोल के लिए करती है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं है। असल जिंदगी में वो बहुत स्वीट, प्यारी और भगवान से डरने वाली है। वो पूजा पाठ और काफी योग करती है। वो असल में बहुत नॉर्मल इंसान है। राजस्थान में करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ जिले के नौहर में बिगड़े हालात सामने आए हैं। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमला किया गया है तो हैदराबाद के बाद अब गुजरात के राजकोट में एक 22 वर्षीय युवक की प्रेम कहानी का अंत भी निर्मम हत्या के साथ हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ भी फ्री का दांव खेला है। तो उधर भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के आरोपों के बीच सत्ताधारी पार्टी की योजना अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचकर उनसे चर्चा करने की है। इसी बीच अच्छी खबर है कि चक्रवाती तूफान असानी अब कमजोर पड़ गया है। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। देश भर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की आग बढ़ने लगी है। यहाँ करौली, जोधपुर और भीलवाड़ा के बाद अब हनुमानगढ़ जिले के नौहर में बिगड़े हालात सामने आए हैं। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के नेता पर जानलेवा हमला किया गया है। हालत गंभीर होने के कारण नेताजी को बीकानेर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के नौहर में विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सहारन पर कुछ लोगों ने बीती रात जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में सतवीर सहारन को गंभीर चोटें आई है। उन्हें गंभीर हालत में हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। यहां पर उनका इलाज किया गया, लेकिन हालत अधिक बिगड़ने पर बीकानेर रेफर कर दिया गया। मामले के अनुसार रात्रि को नौहर के रामदेव मंदिर के पास कुछ युवक लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के नेता वहां पहुंचे थे। इसके बाद जब उन युवकों से पूछताछ की तो अचानक उन 7 से 8 युवकों ने उन पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला बोल दिया। इसके बाद तनाव फैल गया और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। पुलिस की ओर से 2 लोगों को राउंड अप करने की बात भी सामने आ रही है। इधर हनुमानगढ़ में हालात फिलहाल नियंत्रण में है। हालांकि माहौल को देखते हुए प्रशासन ने हनुमानगढ़ जिले में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। हैदराबाद में दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने पर नागराजू की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामला अभी भी शांत नहीं हुआ था कि अब गुजरात के राजकोट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 22 वर्षीय युवक की प्रेम कहानी का अंत भी निर्मम हत्या के साथ हुआ। सुमैया के भाई और परिवार के सदस्यों ने मिथुन ठाकुर को पीट पीट कर मार डाला। सुमैया जब अपने प्रेमी को नहीं बचा पाई तो उसने अपने हाथ की नस काट ली।
हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी जान बच गई। स्थानीय फैक्ट्री में काम करने वाले बिहार के मूल निवासी मिथुन ठाकुर और 18 साल की लड़की सुमैया कादिवार पिछले कुछ महीनों से रिलेशनशिप में थे। वे जंगलेश्वर मेन रोड स्थित राधाकृष्ण सोसाइटी में उसी मोहल्ले में रहते थे। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, उनका प्यार परवान चढ़ता गया और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। गत सोमवार को मिथुन ठाकुर ने सुबह करीब 10 बजे सुमैया को उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन उसके भाई साकिर ने कॉल का जवाब दिया। उसने ठाकुर को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। दोनों के बीच जमकर तीखी बहस हुई। साकिर उसे सुमैया से दूर रहने की धमकी दे रहा था। इसके कुछ देर बाद साकिर और 3 अज्ञात व्यक्ति मिथुन के घर गए और उसकी बेरहमी से पिटाई की। पड़ोसियों में से एक ने उसे घर में बेहोश पड़ा देखा तो राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे गंभीर चोट और ब्रेन हेमरेज के कारण अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान ठाकुर ने बुधवार को अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुमैया को जब उसकी मौत की जानकारी हुई तो उसने भी कलाई की नस काट डाली। सुमैया के माता पिता तलाकशुदा है और उसकी माँ एक निजी कंपनी में मजदूरी करती है। मिथुन ठाकुर और उसके पिता बिपिन राजकोट में रहते थे और एक कारखाने में काम करते थे। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर साकिर और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले यह भी फ्री का दाव खेला है। उन्होंने वादा किया है कि अगर गुजरात में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह अयोध्या सहित कई तीर्थस्थलों पर एसी ट्रेन में सीनियर सिटीजन्स को फ्री में घुमाएंगे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली की तरह गुजरात में 24 घंटे फ्री बिजली का वादा भी किया। केजरीवाल ने कहा कि करीब 3 दशकों से गुजरात की सत्ता चला रही बीजेपी विभिन्न मोर्चों पर विफल रही है। राजकोट में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने मुफ्त बिजली देने, बेहतर स्कूल और अस्पताल का भी वादा किया। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि लंबे शासन के बावजूद बीजेपी की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर विफल रही है। केजरीवाल ने रैली में उनके नेतृत्व में एजुकेशन के क्षेत्र में किए गए बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गुजरात में 6,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक भी व्यक्ति को उसमें तीर्थयात्रा पर नहीं भेजा, जबकि दिल्ली में उनकी सरकार ने सिर्फ 3 साल में 50,000 सीनियर सिटीजन्स को तीर्थयात्रा कराई है। उन्हें मुफ्त में मथुरा, हरिद्वार और वृंदावन भेजा गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो गुजरात के लोगों को फ्री में तीर्थयात्रा कराएंगे। भाजपा शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के आरोपों के बीच सत्ताधारी पार्टी की योजना अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुंचकर उनसे चर्चा करने की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रत्येक राज्य में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठों को 6 जून से 8 जून तक समुदायों के साथ आउटरीच प्रोग्राम आयोजित करने का निर्देश दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की 8वीं वर्षगांठ के मौके पर भाजपा आगामी 30 मई को समाज के सभी वर्गों, खासकर अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों को केंद्र में रखकर एक पखवाड़े तक व्यापक अभियान चलाएगी। पार्टी की ओर से जारी एक पुस्तिका के मुताबिक सांसदों व विधायकों सहित पार्टी के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान देश भर में प्रभात फेरी निकाली जाएगी और रैलियों का आयोजन किया जाएगा तथा मोदी सरकार के कामकाज पर एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत 30 मई को करेंगे, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता, केंद्रीय मंत्री और पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान ए रिपोर्ट टू द नेशन नाम की एक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। इस अभियान का मूल विषय 8 साल सेवा, सुशासन और गरीबों का कल्याण रखा गया है। इसके बाद करीब 10 दिनों तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जो अगले 5 और दिनों तक जारी रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। हालांकि चक्रवाती तूफान असानी अब कमजोर पड़ गया है। मछलीपट्टनम और नरसापुर के बीच तट को पार करने के बाद यह और कमजोर हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले 6 घंटों के दौरान डीप डिप्रेशन व्यावहारिक रूप से स्थिर रहा और उसी क्षेत्र में कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया। ये मछलीपट्टनम के पश्चिम के करीबी केंद्रित था। आईएमडी बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 12 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र के आसपास रहने और निम्न दबाव क्षेत्र में
इसके और कमजोर होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आज भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों और पुडुचेरी के यनम में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। साथ ही 12 घंटों के दौरान पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में समुद्र की स्थिति काफी खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। इस कारण IMD ने अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने को पूरी तरह से स्थगित करने का सुझाव दिया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे आंध्र प्रदेश और ओडिशा तटों पर और बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के साथ साथ पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में न जाएं। चीन में आज फिर एक विमान में आग लग गई, हालांकि उसमें सवार सभी 113 लोग और नौ क्रू मेंबर सुरक्षित है। तो उत्तर कोरिया में पहले कोविड मामले की पुष्टि हुई है। इसके चलते किम जोंग उन ने सीरियस नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है, साथ ही देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं शहबाज शरीफ सरकार के नई दिल्ली में भारत के लिए व्यापार मंत्री नामित करने में पाकिस्तान में विवाद छिड़ गया है। तो उधर नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि इस साल गर्मियों में ऐसे करीब 8 लाख विद्यार्थियों को वीजा दिया जाएगा। इसी बीच विदेशी मामलों के एक जाने माने जानकार का कहना है कि वो चीन के साथ बॉर्डर मसले को लेकर एक अंतरिम समझौते को लेकर मंच तैयार है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक शिखर सम्मेलन की जरूरत है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चीन में आज एक विमान में आग लग गई। यह विमान तिब्बत एयरलाइंस का था। विमान ने जैसे ही चीन के चोंगकिंग एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड किया, उसमें आग लग गई। चीन की सरकारी मीडिया ने इस हादसे की जानकारी दी है। हालांकि अच्छी खबर यह रही कि इस भयानक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि चोंगकिंग जियांगबेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चोंगकिंग से ल्हासा जा रहा एक विमान रनवे से आगे निकल गया, जिससे विमान में आग लग गई। एयरलाइन ने बताया कि विमान में 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में विमान जलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे दमकल कर्मी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एयरलाइन ने कहा कि घायल यात्रियों को सिर्फ हल्की चोटें आई है और सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। विमान चीन के चोंगकिंग शहर से तिब्बत के निंगची जा रहा था। गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले चीन के कुनमिंग शहर से गुआंजो जा रहा चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का विमान बोइंग 737-800 वुझोऊ शहर के एक पर्वतीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 132 लोग सवार थे, जिनका कोई सुराग नहीं मिला था। बाद में सभी की मौत की आशंका जताई गई थी। चीन की 3 सबसे बड़ी विमानन कंपनियों में शामिल चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने इस हादसे के बाद अपने सभी बोइंग 737-800 विमानों की उड़ानें रद्द कर दी थी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट का रंग भी बदलकर काला कर दिया था। उत्तर कोरिया में पहले कोविड मामले की पुष्टि हुई है। इसके चलते किम जोंग उन ने सीरियस नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है, साथ ही देश भर में लॉकडाउन का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्योंगपांग के लोगों में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट का पता चला है। हालांकि मामलों की संख्या अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि इस देश ने कभी भी कोरोना के एक भी मामले को नहीं स्वीकारा है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब उत्तर कोरिया 0 कोविड केस का दावा कर रहा था। महामारी की त्रासदी से खुद को सुरक्षित बताने वाले देश में अब भयानक मानवीय संकट का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि उत्तर कोरिया उन देशों में शामिल है जहां अभी तक टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। खुद को बचाने के लिए उत्तर कोरिया ने जनवरी 2020 में ही अपनी सीमाएं बंद कर दी थी और अब तक 0 कोविड केस दर्ज कराता रहा। हालांकि चीन के साथ विशालकाय भूमि सीमा साझा करने वाले उत्तर कोरिया के इस दावे पर एक्सपर्ट अक्सर सवाल उठाते हैं। मेडिकल अधिकारी चेतावनी दे चुके हैं कि उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स की ओर से वैक्सीन की खेप को लगातार ठुकरा रहा है, जिसके चलते भविष्य में उसे गंभीर कोरोना वायरस प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी तानाशाही के चलते अलग थलग देश बड़े पैमाने पर कुपोषण और बेहद लचर हेल्थ सिस्टम का सामना कर रहा है। महामारी से पहले संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया था कि उत्तर कोरिया के 1/4 से अधिक लोग कुपोषण का शिकार है। शहबाज शरीफ सरकार के नई दिल्ली में भारत के लिए व्यापार मंत्री नामित करने पर पाकिस्तान में विवाद छिड़ गया है। शहबाज शरीफ के इस कदम को इमरान खान की भारत नीति के ठीक उलट माना जा रहा है। यह भी अटकलें शुरू हो गई है कि पाकिस्तान सरकार भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को फिर शुरू कर सकती है, जिसे कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद बंद कर दिया गया था। अब पाकिस्तान की नई सरकार ने सफाई दी है कि भारत के साथ व्यापार की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बता दें कि शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक संघीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार को फिर से खोलने की दिशा में काम करेगा और इसके लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कमर जमर केरा को व्यापार मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। इस कदम के बाद शहबाज शरीफ सरकार पर पाकिस्तान के हितों से समझौता करने और कश्मीर के लोगों की आशाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार का कहना है कि इस नियुक्ति के लिए आवेदन इमरान सरकार ने ही मंगाया था, शहबाज सरकार ने केवल नियुक्ति की है। शहबाज सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि नई दिल्ली में यह पद दो दशक से भी ज़्यादा समय से बना हुआ है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान सरकार कुछ भी सफाई दे, लेकिन इस फैसले को देश की गंभीर आर्थिक स्थिति के लिहाज से एक बड़े विकास के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इसे इस्लामाबाद द्वारा एक बड़े समझौते और 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के खिलाफ अपने पिछले रुख से पीछे हटने के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका में उच्च शिक्षा लेने वालों की संख्या बढ़ ही रही है। वहाँ पढ़ाई करने वालों को F1 स्टूडेंट वीजा लेना पड़ता है। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि इस साल गर्मियों में ऐसे करीब 8 लाख विद्यार्थियों को वीजा दिया जाएगा। इनके लिए आगामी जून और जुलाई के पहले पखवाड़े में अवसर मिलेगा। हालांकि इस दौरान उन स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिलेगा जिनका वीजा आवेदन पहले खारिज हो चुका है। अमेरिकी दूतावास में काउंसलर मामलों के मंत्री डोनाल्ड एल हेफलिन ने कहा कि ग्रीष्म सत्र के लिए छात्र वीजा का अवसर जून और जुलाई के पहले पखवाड़े में मिलेगा। हम चाहते हैं कि इस बार नए आवेदकों को मौका मिले। जिन लोगों ने पहले कभी आवेदन नहीं किया अथवा जिन छात्रों ने अभी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और स्नातक की पढ़ाई करना चाहते हो या स्नातक कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जो पीजी के लिए वहाँ जाना चाहते हो, उन्हें अवसर देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन गर्मियों में जब आवेदनों के लिए समय आवंटित किया जाएगा तो वो लोग इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे जिनका आवेदन पूर्व में खारिज किया जा चुका है। बाद में गर्मियों में 15 अगस्त से 1 सितंबर तक लगभग 15,000 स्लॉट उन लोगों के लिए उपलब्ध होंगे जिन्हें या तो इस गर्मी में या पिछले साल मना कर दिया गया था। हेफलिन ने कहा कि अगले 12 महीनों के दौरान उन्हें भारत के लिए 8 लाख अमेरिकी वीजा दिए जाने की उम्मीद है। भारत और चीन के बीच पिछले 2 सालों से अधिक से लद्दाख क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई स्तर पर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला अब तक सुलझता नहीं दिखा है। रिपोर्ट्स बताती है कि जुलाई 2021 के बाद से डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन को लेकर भी बात कुछ खास आगे नहीं बढ़ी है। दोनों देशों के बॉर्डर के करीब 50,000 से अधिक जवानों को तैनात किया है। ऐसे में यह मसला कैसे सुलझ सकता है? लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग भारतीय सेना में कई सालों तक कई उच्च स्तरीय पदों पर रहे हैं, अब रिटायर है और उन्होंने भारत चीन बॉर्डर मसले को लेकर द प्रिंट में एक लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस मसले को सुलझाने के लिए PM नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बैठक करनी चाहिए और मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। भारत ने लगातार कहा है कि लद्दाख क्षेत्र में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल हो और चीन के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए भारत ने इसे एक पूर्व शर्त बना दिया है। पनाक का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंध भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने को लेकर और एशिया में चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने को लेकर चीन बॉर्डर पर नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इतना ही नहीं, धारा 370 को निरस्त किए जाने के बाद अक्साई चीन को वापस लेने जैसी बातें भी बीजिंग को नागवार गुजरी है। फिर भी चीन के साथ बॉर्डर मसले को लेकर एक अंतरिम समझौते को लेकर मंच तैयार है। सैन्य और कूटनीतिक वार्ता ने अपना काम कर दिया है और मामले को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक शिखर सम्मेलन की जरूरत है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News। नमस्कार।